नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। कोरोना वायरस महामारी का विकराल रूप देश में अपना कहर ढा रहा है। हर दिन नए मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में इस वक्त सबसे बुरी हालात महाराष्ट्र की है, जहां बीते करीब 10 दिन से हर रोज 50,000 से अधिक केस सामने आ रहे हैं। बीते दिन भी महाराष्ट्र में 56,000 नए मामले दर्ज किए गए। सिर्फ मुंबई में ही 9,000 के करीब मामले सामने आए। महामारी पर नियंत्रण को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें लॉकडाउन लगाए जाने को लेकर चर्चा की जा सकती है। वहीं एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने शुक्रवार को कहा है कि अगर कोरोना वायरस संक्रमण से पैदा हुए हालात नहीं बदलते हैं तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाना होगा। राजेश टोपे ने कहा है कि हम लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन अगर हालात नहीं सुधरते तो संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए ऐसा करना जरूरी हो जाएगा। जहां महाराष्ट्र लॉकडाउन की राह पर है, वहीं राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हर दिन हम 50,000 से 60,000 मामले देख रहे हैं। हमारे पास आज 5,31,000 एक्टिव मामले हैं। अगर इस तरह से उतार चढ़ाव जारी रहा तो हमारे पास 10,00,000 से ज़्यादा केस हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने चेन तोड़ने के लिए 3 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन का सुझाव दिया है। अभी हमारे पास वीकेंड लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी हम सब्जी बाजारों में भीड़ देख रहे हैं। घरों में सब्जी और किराने का सामान देने का प्रावधान होना चाहिए। मैंने अपनी राय व्यक्त की है। मुझे लगता है कि इस निर्णय को जल्द से जल्द देने की ज़रूरत है। ऐसे में देखना होगा कि इस मांग पर उद्धव ठाकरे क्या फैसला लेते हैं। अब तो शनिवार को होने वाली बैठक पर नजर है, जब उद्धव ठाकरे सर्वदलीय बैठक करेंगे। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।